योगी सरकार की आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। उद्योगपति गौतम अडानी भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। तकरीबन 80,000 करोड़ की 1406 परियोजनाओं का यहां शिलान्यास होना है और इस बाबत पीएम मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज योगी सरकार के लिए बड़ा दिन है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने की लगातार कोशिश है। ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। इससे पहले योगी सरकार पार्ट वन में 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी और आज खुद प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं इस सेरेमनी का उद्घाटन करने के लिए। और इस बीच उद्योगपति गौतम अडानी भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे हैं। यहीं पर मुख्य कार्यक्रम रखा गया है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का वे उद्घाटन करेंगे। तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए और एक बार अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए कुमार मंगलम बिरला भी है, यहाँ पर मौजूद है। So you are again here in Lucknow. This is the third groundbreaking ceremony. So the idea of UP is changing. Yeah, I think UP is becoming even more dynamic. We've been here for several decades now, but I think that the current dispensation, the Honorable Chief Minister, have provided a new energy, and we're looking to invest even more and entrench ourselves even more with UP. Birla Group is investing more and more in UP. Yes, we are investing in several businesses. We are investing in paint, we are investing in cement, in carbon black, so in aluminium. So we have several investments in Uttar Pradesh. So you feel that in last 5 years the image of UP has changed in? Yes, I think the government has become even more proactive, very dynamic, very pro-industry. They are like a partner with industry in the growth of industry and therefore the state. We are looking at several options. आपने देखा ये कुमार मंगलम बिरला साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो इमेज है वो बदली है। 5 वर्षों में जिस तरीके से सरकार ने काम किया है उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की इमेज को बदला है। इन्वेस्ट जिस तरीके से किया है उनकी कंपनी ने लगातार उत्तर प्रदेश में, ये बदले हुए यूपी का कहीं ना कहीं एक प्रतीक है। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, आईपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।